आमिर खान की फिल्म दंगल में बबीता फोगाट के बचपन की भूमिका निभाने वाली सुहानी भटनागर का शनिवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है। अब हाल ही में उनकी मां ने बताया कि आमिर खान उनकी बेटी संग लगातार टच में थे। दंगल में बतौर बाल कलाकार काम करने वाली सुहानी भटनागर की मां ने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि आमिर खान उनके परिवार से लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने बेटी की बीमारी के बारे में एक्टर को क्यों नहीं बताया, इस बारे में उन्होंने समाचार एजेंसी KNI से खास बातचीत के दौरान बताया। जब सुहानी की मां से पूछा गया कि क्या बॉलीवुड की तरफ से किसी का फोन आया, तो दंगल गर्ल सुहानी की मां ने जवाब देते हुए कहा, आमिर सर हमेशा हमारे टच में रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमेशा सुहानी के साथ वो जुड़े रहे हैं। अभी हमने उनको बताया नहीं था क्योंकि हम लोग खुद ही इतने ज्यादा परेशान चल रहे थे कि हमने किसी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि अगर उन्हें एक मैसेज भी जाएगा तो उस पर उनका तुरंत जवाब आता, हमें पर्सनली फोन करते। वो सुहानी के साथ उनके शुरू से ही बॉन्डिंग रही है, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा। अभी जब उनकी बेटी की शादी हुई थी तो उन्होंने हमें उसका इनवाइट भी भेजा था। इसके अलावा सुहानी की मां ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। आमिर सर का तो बहुत हमारे टच में रहे हैं, आमिर सर ऐसी बात नहीं, इज ए नाइस पर्सन, वो हमेशा इसके साथ टच में रहे हैं। अभी बीमारी के बाद भी पता वो टच में? अभी हमने उनको बताया नहीं था अभी, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने ज्यादा परेशान चल रहे थे तो हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, बट डेफिनेटली अगर एक मैसेज भी जाएगा उनको तो उनका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड आता है और हमें पर्सनली कॉल करते हैं। वो तो वो सुहानी के साथ बॉन्डेड रहे हैं शुरू से, उन्होंने कभी ऐसा नहीं छोड़ा। अभी उनकी डॉटर की भी मैरिज हुई है, हमें इनवाइट आया था, प्रॉपर फोन भी आए थे कि आपको आना है अटेंड करने, तो इससे परेशान नहीं तो हम जा नहीं पाए थे। एट दैट टाइम शी वाज हैविंग फ्रैक्चर हुआ था इसको, तो अभी फ्रैक्चर रिमूव ही हुआ था तो हमें अभी ट्रैवल करना नहीं था।